हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताता हूँ कि बाथरूम में फिटिंग का मेजरमेंट किस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, दीवार के सेंटर में फ्लश वाले और स्लैब लेवल से 2 फीट नीचे अपना गीजर के पॉइंट, जो सीलिंग लेवल से हमने नीचे रखे है, और ये डायवर्टर जो हमने नीचे से फ्लोरिंग लेवल से 41 पे रखा है, और जो उसके नीचे का स्पॉट का पॉइंट रहता है वो फ्लोरिंग से 2 फीट पे रहना चाहिए। आपको सबसे पहले फ्लोरिंग लेवल टाइल वाले से लेनी चाहिए। यहाँ पे टाइल जॉइंट भी फिटिंग है, तो हमने उस हिसाब से मार्किंग करके फिटिंग करी है। और शावर फ्लोरिंग लेवल से 7 फुट पे रहना चाहिए देखिए। और बेसिंग का पॉइंट हमने राइट वाली दीवार से 2 फीट फिर रखा है। यहाँ पे भी सेम फिटिंग है, शावर 7 फुट पे, डाइवर्टर 41 फ्लोरिंग से। और इस बाथरूम में मेन खास बात ये है कि हमने बहुत सारे टन और थोड़ा पाइप बचाया है। जो सबसे पहले देखे वाले बाथरूम में आपको दिखाया था मैंने, जो टी मारे वाली थी दीवार में से आर पार, वो यहाँ पे देखो वो एल्बो डायरेक्ट आए वाला है। इस तरह से हम जितना टन बचेंगे उतना प्रेशर पाइप में बढ़ता है, उस हिसाब से हमने फिटिंग कर रही है।